आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा डॉक्टरों के शिविर अपने रीच टू स्कूल कैंपेन के तहत कई स्कूल में आयोजित करने को प्रयासरत है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा कि आवास विकास परिषद के सेक्टरों में 25 से अधिक स्कूल संचालित है। आवासीय योजना के राजेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल का अनुभव अच्छा रहा। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है कि अब महानगर के अन्य आवासीय क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर लगवाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए शिविर लगाना या नर्सिंग होम अस्पताल का भ्रमण करवाना अगर शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल है तो उन्हें विभाग से सहयोग करने को हमेशा उत्सुकता रहेगी। दोनों राजेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में आयोजित बच्चों के डॉक्टर अतुल बंसल पीडियाट्रिक और महिला डॉक्टर आरुषि बंसल गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा स्वास्थ्य चेकअप कैंप के 2 दिवसीय कैंप के आखिरी दिन के कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री शर्मा ने साफ सफाई आदत में शामिल करने को प्रेरित करते रहना सोसाइटी के लक्ष्यों में शामिल है। कोरोना संक्रमण के दौरान में सभी ने स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चुनौती की स्थिति को समझा है। उपचार के लिए भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को जरूरी माना गया। हमारा प्रयास है कि आगरा की स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने का सिलसिला लगातार चले और अधिक से अधिक स्कूल इसमें सहभागी हो। कोशिश है कि अपने प्रयासों से स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य आंकड़ों को संग्रहित करें और जब जरूरत हो तो उन बच्चों के अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रबंधन व प्रशासन के साथ युवा पीढ़ी को स्वस्थ रहने के लिए साझा करें। शिविर की समाप्ति के अवसर पर राजेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती गुरलीन कौर ने सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा डॉक्टर अतुल बंसल डॉक्टर आरुषि बंसल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्टूडेंटों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता हमेशा ही आवश्यक रही है। छोटी उम्र के बच्चों को स्वस्थ एवं साफ सुथरा रखना एक विशिष्ट चुनौती भरा है। अगर उनमें साफ रहने की आदत बचपन से ही डाली जा सके तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। सुश्री कौर ने कहा कि वो हमेशा बच्चों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास करती रही हैं। उनका प्रयास है कि हर बच्चे का हेल्थ कार्ड हो। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का इसे लेकर अत्यंत सकारात्मक रुख है। उन्हें आशाजनक परिणामों के आने की उम्मीद है। उन्होंने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं संवेदनाओं युक्त बनाए नई नीति का भाग है। वो चाहेंगे कि स्टूडेंट अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों का अध्ययन भ्रमण कर स्वस्थ रहने की जरूरत को समझे और अपने अनुभवों को दूसरों से साझा करे। उन्होंने सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा से अपेक्षा की कि वह स्वास्थ्य कैंपों के आयोजन के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। 2 दिवसीय कैंप में बच्चों के डॉक्टर अतुल बंसल और महिलाओं की डॉक्टर आरुषि बंसल ने पूरे स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य संबंधित निरीक्षण किया। 22 को जो अभिभावक अपने बच्चों और स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा करने के इच्छुक थे उनसे भी चर्चा की। आखिर दिन जेनोम डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी ने हीमोग्लोबिन का फ्री टेस्ट किया। इस कैंप के आयोजन में स्कूल के टीचर्स और स्टाफ की सहभागिता रही। डॉक्टर अतुल बंसल डॉक्टर आरुषि बंसल डॉक्टर पंकज नगाइच सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के अध्यक्ष शिरोमणि सिंह और सचिव अनिल शर्मा उपस्थित रहे। आज आपने कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, क्या प्रोग्राम था? आज हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और खत्म हो रही थी तो पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों के रिजल्ट देखने आए। अच्छा, कोई आपने एक कैंप वगैरह भी आयोजित किया? यस, सो वी वर प्रिविलेज्ड टू गेट एसोसिएटेड विद सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। उनका एक कैंप कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं रीच आउट टू स्कूल्स, तो उसके अंडर हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स भी बुलाया है एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सेम सोसाइटी एंड डॉक्टर अतुल बंसल एंड आरुषि बंसल यहाँ पे आए हैं एंड देयर इज अ फ्री कैंप विच हैज बीन ऑर्गेनाइज और पेरेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोविड के बाद लगता है कि बच्चों को अपने आप को कैसे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डॉक्टर्स हैं वो उस तरह से गाइड कर रहे हैं और उनका फ्री चेकअप कर रहे हैं। सो आई एम ग्लैड कि ये एसोसिएशन हुआ बिकॉज आई फील के अगर बच्चा आ रहा है अ साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड तो उनकी बॉडी हर तरह से साउंड होनी चाहिए। कुछ आपने हेल्थ कार्ड वगैरह बनाने का भी तो इसी तरह अब जब भी हम रिपोर्ट कार्ड देंगे बच्चों का प्रॉपर एक हेल्थ कार्ड साथ होगा सो दैट पेरेंट्स को कई बार क्या होता है निगलेक्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स भी कर देते हैं बहुत बिजी रहते हैं तो यहाँ से उनका एक प्रॉपर हेल्थ कार्ड बनेगा जहाँ पे देर भी अवेयर क्योंकि
आई साइट ठीक है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और भी कोई जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, दे विल बी अवेयर फ्रॉम द स्कूल साइड. के लिए फिलहाल इतना ही काफी. बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर. अब चाहूंगे इजाजत. नमस्कार.